तो ये वीडियो एक DIY है इंटरकॉम और ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए, और जिसका खर्चा मुश्किल से 500 रुपये से भी कम है। हाय गाइस, दिस इज हर्षित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल इंडियन ऑन इनफील्ड। तो आज का ये जो पूरा वीडियो है ये है एक देसी जुगाड़ ब्लूटूथ स्लैश इंटरकॉम डिवाइसेस का अल्टरनेट, और इसका जो खर्चा है वो 500 रुपये से भी कम में मतलब आप इसको बना सकते हो और खुद ही से बना सकते हो। इसमें आपको किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ों को इकट्ठा करके। और वो बेसिक चीज़ें भी ऐसे नहीं जिसके लिए आपको अपनी शहर की ऐसी मार्केट ढूंढनी पड़े जहाँ पे आपको सारा गैजेट्स का सामान मिलता हो, ऐसी कोई जगह की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ एक छोटी मोटी मोबाइल की दुकान आसपास में जो हो, या सब पे मेहरबान होने वाला पेटीएम मॉल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वीडियो है एक DIY, क्योंकि मेरा चैनल DIY से भी रिलेटेड है। तो ये वीडियो एक DIY है इंटरकॉम और ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए, और जिसका खर्चा मुश्किल से 500 रुपये से भी कम है, और जो इसका मतलब बेस्ट एडवांटेज ये, मतलब लोग बोलेंगे कि क्यों हम ये करें, इतना मेहनत करना क्यों। लेकिन इसमें चांसेस ये हैं कि जैसे अगर आप एक नॉर्मल ब्लूटूथ डिवाइस भी लेने जाओगे तो आपको 700-800 रुपये के आसपास पड़ती है। तो उसका एक अल्टरनेट है ये, जिसका खर्चा 500 से भी कम है, 400 में, 350 में, मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी विच यू यूज़। तो उस पर आपका खर्चा सारा का सारा है। और इसमें आप सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है अपने हिसाब से चीज़ों को बढ़ा और कम कर सकते हैं। जैसे आपका मन है बैटरी अपग्रेड करने का कि बैटरी आपको थोड़ी और हायर एमएएच की चाहिए, आप बैटरी एक्सटेंड कर सकते हो। माइक अच्छी क्वालिटी का चाहिए, स्पीकर अच्छी क्वालिटी का चाहिए, मतलब सब कुछ आपके हाथ में है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंपनी या उस प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो पहली चीज़ आप देख रहे हो वो है ये आपका कोई भी नॉर्मल जो ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं, मतलब जो ब्लूटूथ ईयरफोन आते हैं, तो ये है वो डिवाइस। और इसको आप चार्ज भी कर सकते हो जो कि नॉर्मल आप अपने स्पीकर वगैरह चार्ज करते हो। और इसमें हमने अल्टर क्या किया है वो बताता हूँ। तो जो इसका जो बैटरी थी उसकी बैटरी निकाल करके एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करी है, जो कि ये है एक लिथियम आयन बैटरी जो आपको नॉर्मल कहीं भी 70-80 रुपये की मिल जाएगी, किसी भी नॉर्मल बिजली या किसी फ़ोन वाले की दुकान पे। ये एक बैडमिंटन रैकेट की बिजली वो बैटरी है जो कि मच्छर के मारने में प्रयोग किया जाता है। और एक वायर एक्सटेंड करके लगाया है क्योंकि ये जो है बैटरी आपका ऊपर सिर के ऊपर रहती है। और ये वाला जो है ये एज अ माउथ पीस, एज अ चार्जर हर तरीके से काम करेगा। और इसका जो वॉल्यूम वाले बटन है ये भी वर्किंग है, ये सारे के सारे काम करते हैं, पावर, वॉल्यूम, अप डाउन सब काम करता है। और ये रहा आपका माइक, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये माइक है, इसको आप अपने हेलमेट के आगे लगाओगे जहाँ पर नॉर्मल एक इंटरकॉम का माइक आता है या ब्लूटूथ का जो माइक आता है उसकी जगह पे आप इसको प्लेस करोगे। और ये जो है ये एक हुड बना करके, मतलब एक लूप बन के ये आपके आएगा कानों के पास। और इसका हमने ऊपर का वो जो बड है वो हटा रखा है बेटर साउंड के लिए, और ये कान से थोड़ा दूर रहेगा। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम है, मतलब क्वालिटी नहीं बोल सकते हैं उसको, जो साउंड की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि हमें बाहर की भी साउंड सुननी है। ऐसा नहीं कि मतलब फिर ईयरफोन लगाया और फिर वही सारा जो रिस्क है सड़क पे वो ले रहे हैं। तो इसलिए हमने इसका वो जो ऊपर वाला बड होते हैं वो हटा रखे हैं। आप चाहो तो इस स्पीकर को भी अपग्रेड कर सकते हो, यहाँ से इसको खोल करके जिस तार में आपका स्पीकर ये कनेक्टेड होते हैं उसको हटा करके आप बड़े स्पीकर के लिए भी जा सकते हो, वैसे ये स्पीकर काम कर जाएंगे। तो मैं इसको एक बार पेयर करके भी सुना देता हूँ, इसमें जो ट्रैक कोई एक, और इसको ऑन कर लिया है हमने, और अब फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे और इसमें हमारी डिवाइस आ जाएगी जो कि ये रही। तो ये रही ब्लूटूथ म्यूज़िक डिवाइस, और इसको हम करेंगे पेयर। तो ये जैसा कि कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो, 100% बैटरी रिमेनिंग, मतलब वो 100% बैटरी की इंटेंसिटी जो है वो डिवाइस की है, इसकी नहीं, इसकी बैटरी 51 पे है। तो चलते हैं एक NCS प्ले करके देखते हैं कि साउंड आ रहा है कि नहीं। इसकी वॉल्यूम फुल है और पता नहीं आप सुन पा रहे हो या नहीं, क्योंकि तो फ़ोन के आजकल जो माइक्स हैं उसमें भी नॉइज़ कैंसिलेशन आ रहा है। तो ये जो ट्रैक आप सुन रहे हो वो इसके स्पीकर से आवाज़ आ रही है, एक मैंने इसके माइक के पास लगा रखा है कैमरा के। तो मतलब आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा हिसाब किताब सारा का सारा वर्किंग है। तो इसको करते हैं अब बंद और आते हैं सबसे बेसिक मुद्दे पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है कि क्या करना है, लोगों को शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। और मतलब ये DIY मेरे हिसाब से सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो ब्लूटूथ और बाकी ब्रांड्स के जो नाटक बढ़ रहे हैं कि मतलब कॉस्ट जो है वो उनकी पता नहीं किस हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिटी में हो और अगर आपको इंटरकॉम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्लूटूथ चाहिए अगर आपको, तो ये आपके लिए एक बेस्ट जुगाड़ हो सकता है। तो यही एक छोटा सा DIY जिसमें आप अपना खुद का एक इंटरकॉम बना सकते हो।
तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टिल देन लाइक सेफ राइड हार्ट।